सविता थी, मानव के बारे में कुछ पता चला? मैं कब से उसे फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा है। क्यों उठाएगा? तुम्हारी बेटी ने कोर्ट में क्या गुल खिला है मालूम नहीं? नाराज है वो। सविता थी, अब जाने भी दीजिए ना वो बातें। कोर्ट में जो हुआ वो हुआ। नहीं, मैं मानती हूँ कि मानव गुस्सा होगा, नाराज होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जब वो ये खुशखबरी सुनेगा ना, उसका सारा टेंशन, सारा गुस्सा खत्म हो जाए। वही तो मैं नहीं चाहती, मानव ये खबर सुन के खुश हो जाए और अर्चना को उसके करीब आने का मौका मिले। ये बात मेरा नुकसान कर सकती है, इसलिए आपसे पहले ये बात मैं मानव को बताऊंगी, वो भी अपने अंदाज में। वो फोन नहीं उठा रहा, इसका मतलब वो अभी भी शायद कोर्ट में ही बिजी होगा। क्यों ना हम वहां जाकर उसे ढूंढते। चलिए ना, चलिए आइए। बेवकूफ औरत, इतना भी नहीं समझ सकती कि मैंने तुझे दूर के रास्ते से भेजा है और खुद शॉर्टकट से जा रही हूँ ताकि मैं पहले मानव से मिलकर उसे ये खबर सुना सकूं। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. पता नहीं वहां कोर्ट में क्या हुआ होगा, मानव का फोन भी नहीं लग रहा। मुझे नहीं पहनना। लेकिन किसके लिए और कहां से लाया? ऐसी बात है कि जो मेरे साथ काम करता है ना मंगेश, वो बहुत जल्द बाप बनने वाला है। तो उसी सिलसिले में वो शॉपिंग के लिए मुझे एक दुकान में ले गया। वहीं मैंने ये प्यारी सी फ्रॉक देखी, बहुत अच्छी लगी, खरीद ली। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ ये कौन पहनेगा? सोहम? हम दोनों मिलकर ले आएंगे ना। मानो लेकिन बहुत प्यारी फ्रॉक है। अच्छा, जब से मैंने ये फ्रॉक देखी रह रहकर मेरे आंखों के सामने सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, एक छोटी सी प्यारी सी अर्चना। ये फ्रॉक मैंने मेरी तरफ दौड़ कर आ रही है और बाबा बाबा कहकर। मानव, कोर्ट में क्या हुआ? माना अर्चना, प्लीज हम केस के बारे में बात ना ही करें तो अच्छा होगा। मानव, लेकिन अर्चना, अगर तुम्हें केस की इतनी फिक्र है तो तुम वहां से चली क्यों आई? मेरे खिलाफ झूठी गवाही तो दे ही चुकी थी तुम, मुझे दोषी साबित होता भी देख लेती, तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल जाती। अर्चना, आज तुम्हारी वजह से मैं उस गलती की सजा भुगत रहा हूं जो मैंने की नहीं। प्लीज, आप मुझे गलत समझ रहे। सच कह रही, मैं वहां रुकना चाहती थी लेकिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। बहाने मत बनाओ। तुम्हें मालूम था मेरे खिलाफ झूठी गवाही देने के बाद में तुम मुझसे नजरें नहीं मिला पाओगे,
इसीलिए शर्म के मारे तुम वहां से निकल आई और यहाँ चली आई। आप मुझे गलत समझ रहे हैं मानव। मानव देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुकी है, केस आपके खिलाफ नहीं तो गवाही आपके खिलाफ कैसे हो सकती है। मैंने जो कुछ भी किया वो चौल वालों के लिए किया, उनकी भलाई। तो अपने पति से ज्यादा तुम्हें चौल वालों की फिक्र है। उनके शब्द तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखते, लेकिन अपने पति के शब्दों से ज्यादा तुम्हें उन जाली सबूतों पर। सर नहीं है मानव, मैं ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मेरे खिलाफ केस ही क्यों करती? मानव आपने भी देखा, वो लॉयर मुझसे सवाल कर रहा था और मैं सिर्फ उसके सवालों के जवाब दे रही थी। लेकिन तुम एक बात नहीं समझ रही थी अच्छा। वो लॉयर तुम्हें अपनी बातों में फंसाता जा रहा था और तुम फंसती जा रही थी। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला तुम्हें कोर्ट में ले जाने की क्या जरूरत है। मानव मेरे पास और कोई चारा नहीं था, ये चौल वालों की जिंदगी का सवाल था। चौल वालों को बचाने के और भी तरीके थे, केस करने की क्या जरूरत थी? चलो माना कि अजीत बुलडोजर लेकर आया था, लेकिन अगर सारे चौल वाले मिलकर बुलडोजर के सामने आके खड़े हो जाते तो उस अजीत की हिम्मत नहीं होती कि वो बुलडोजर चलाए। अजीत ने तुम लोगों को डराया और तुम लोग डर गए। अर्चना तुम अब भी ये समझ नहीं पाई हो, ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक साजिश है। हाँ मानव मैं मानती हूँ कि वो एक साजिश थी, लेकिन लेकिन वो सबूत, उनकी बात करिए ना। अर्चना ऑफिस में लेटर हेड्स यूं ही पड़े रहते हैं, कोई भी आकर उस पर कुछ भी लिख सकता है, मेरे झूठे सिग्नेचर्स करवा सकता है। इसीलिए उस लेटर हेड पे भरोसा करने से पहले तुमने मुझसे एक बार बात कर लेनी चाहिए, लेकिन नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि कोर्ट केस करने से तुमने चौल वालों की मदद की? तुमने उन लोगों की मदद की जो मेरे और चौल वालों के खिलाफ, जो बस हमारा बुरा चाहते। तुम्हें जो करना था वो तुम कर। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं लोगों की नजरों में नीचे गिर। लोग तो यही सोचेंगे ना, अपना बिल्डर बनने का सपना पूरा करने के लिए मैंने चौल तोड़वाने की साजिश रची, और इस केस की वजह से कंपनी में भी मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अब पता नहीं मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा। अपने बच्चों और फैमिली के बारे में जो कुछ भी मैंने सोचा है, पता नहीं मैं उन्हें दे पाऊंगा या नहीं। मुझे सारी खुशियां नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। मन मैं आपके साथ एक कमरे में भी खुश रह सकती हूँ। मानव इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, कभी नहीं, लेकिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम किसी गलत रास्ते को नहीं अपना सकते ना। सही और गलत का मतलब तुम मुझे मत समझाओ अर्चना। मेरी बीवी होने के बावजूद तुमने मेरे खिलाफ कोर्ट केस किया, मुझ पर भरोसा नहीं, और तुम मुझे समझा रही हो। अब मैं भी तुम्हें गलत साबित करके इस जमीन पर बिल्डिंग खड़ी करके दिखाऊंगा और लोगों को अच्छा भविष्य दूंगा। और आज जो लोग मेरे खिलाफ और तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही लोग कल आकर इस प्रोजेक्ट पेपर पर साइन करेंगे और मुझसे कहेंगे मानव हमारे घर ले लो और हमें एक अच्छा भविष्य दे दो। और तब मैं देखूंगा कि तुम मुझसे कैसे आंखें मिला पाती हो। मानव, मानव अरे कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन करने की कोशिश की, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर ढूंढा। अरे मेरी बात तो पूरी होने दो। तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है, अर्चना दोबारा माँ बनने वाली है और तुम बाबा। आई प्लीज, क्या अर्चना माँ हमें बाबा? सच कह रही हूँ अर्चना, जैसे ही कोर्ट से बाहर निकली ना, वो अचानक चक्कर आकर बेहोश हो गई। हम लोग तो डर गए थे, उसे डॉक्टर के पास ले गए, वहां हमें ये खुशखबरी मिली। शायद अंदर अर्चना मुझे यही बताने की कोशिश कर रही थी। आई डॉक्टर ने क्या कहा, कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं है ना? नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। अभी तुम बस अर्चना से जल्दी से जाकर मिलो, उसे तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत है। आसमान में जब तक
सितारे रहेंगे। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। नई धूप का ठंडी छाया देगा हरदम पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता। मानो अर्चना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश की थी माना, बहुत। कब पता चला? माना वो जब भी मैं आई एम सॉरी अर्चना, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। नहीं माना, इस माफी मत मांगी, मैं आपसे माफी मांगती हूं। मुझे कोर्ट में आपके साथ होना चाहिए था। सिर्फ कोर्ट केस में ही नहीं अर्चना, तुम्हें हमेशा मेरे साथ होना चाहिए था। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अर्चना अब तुम प्रेग्नेंट हो, अब तो तुम समझ गई ना, मैंने जो कुछ भी किया हमारे बच्चों की खातिर किया। ये सिर्फ हमारे बच्चों का सवाल नहीं है माना, ये चौल के बच्चों का भी सवाल है। अर्चना, इस चौल से मुझे भी लगाव है। पैसों के बिना तो हम भी बड़े हुए हैं, लेकिन पैसों के साथ बड़ा होना खुशहाल जिंदगी है, जो मैं इन चौल वालों को देना चाहता हूं। अर्चना, तुम सिर्फ आज की सोच रही हो और आप कल की मांग। अब कल को सुधारने के चक्कर में आज को अनदेखा कर रहे हैं। इसका मतलब तुम मेरी बात कभी नहीं मानोगी? इस मामले में तो नहीं। Families and your health. Rub it up. Yes. बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू भाई। अब हम कहाँ किस सर,
ये है डीजे कंस्ट्रक्शंस के नए वारिस। सारा दिन बीत जाए, सारी रात जगाए। क्या हुआ? आई वो समझ गई। आज पहली बार तेरे बच्चे ने दस्तक दी है ना? मानव देखिए ना हमारा बच्चा। ये तड़प कह रही है मिट जाए, फासले ये तेरे मेरे दरमियान जो है सारे। एक दूजे से हुए जुदा, जब एक दूजे के लिए बने। मेरी मेरी बातों का हर लम्हा सबसे आई, आज मेरी प्रेगनेंसी के 7 महीने हो गए, लेकिन फिर भी मानव का बर्ताव नहीं बदला। जैसे वो पहले थे वैसे आज। आई, जब भी मुझे कोई तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है, तो मानव मेरे साथ होते हैं। वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। लेकिन जब वो ऐसा कुछ करते हैं ना, मुझे लगता है जैसे वो ये सब कुछ मेरे लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रहे। आई, वो सोहम सच्चू का बहुत अच्छे से ख्याल रखते, बहुत प्यार देते, लेकिन मैं मुझे डर है कहीं हमारा रिश्ता इस तरफ टूट ना जाए। अर्चू, मैं मानो को जानती हूँ। जैसे ही तेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, वो सारे गिले शिकवे भुलाकर तुझे फिर से अपनाएगा, बहुत प्यार करेगा। उस बच्चे के कारण तुम दोनों के बीच में ये जो दरार पैदा हुई है ना, वो अपने आप मिट जाएगी। लेकिन अर्चू, तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा है? कोर्ट का फैसला चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद तू तेरे और मानव के बीच में जो अनबन है उसे भूल जाएगी। और अगर ये तू केस हार भी गई ना, तो भी प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए तू उस पर दबाव नहीं डालेगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं इस केस के बाद हमारे रिश्ते को सुधारने की कोशिश करूंगी, कभी मानव के सपनों के बीच नहीं आऊंगी, चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन आई, अगर इस केस के दौरान मानव मुझसे बहुत दूर चले गए तो? अच्छा, ये कैसी बातें कर रही है? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मानव को जानती हूँ, वो बहुत समझदार है। मुझे पूरा विश्वास है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी दांव पर नहीं लगाएगा, कभी भी नहीं। बैठो यहाँ और मुझसे वादा कर। कैसा वादा आई? कोर्ट का फैसला तुम्हारे पक्ष में हो या तुम्हारे खिलाफ, तुम खुले दिल से उसका स्वीकार करोगे और उसका असर अपनी शादीशुदा जिंदगी पर नहीं होने दो। क्या हुआ, तुम चुप क्यों? माफ कीजिए, मैं आपसे ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता था।